नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। देखिए, तुला राशि वालों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। लाभ और सुख ये दोनों आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ देखिए लाभ के बाद उससे सुख भी प्राप्त होगा। बहुत लोगों को लाभ तो हो जाता है लेकिन सुख अर्जित नहीं कर पाते। सुख एक बड़ी चीज़ होती है। खैर, अब देखिए करियर और कारोबार के मामले में अगर हम बात करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा दिन है, लाभदायक दिन है। कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं तो आपको आज व्यापार कारोबार में लाभ और तरक्की भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कारोबार में आप कुछ नया प्रयोग भी करेंगे जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम बात करें तो आज आपकी किस प्रकार से कमाई होगी, तो देखिए जो लोग खान पान से संबंधित व्यापार से जुड़े हुए हों या फिर वस्त्र के व्यापार से जुड़े हुए हों उनको बहुत कामयाबी मिलेगी। कपड़ा व्यापार से जुड़े लोगों को कामयाबी मिलेगी और आपकी रचनात्मकता ही आपके क्षमता के लाभ को बढ़ाएगी। आपकी रचनात्मकता ही आपका धन है, ये आपने कोट जरूर सुना होगा। तो अगर आपका मान लीजिए कहीं पर आपका अगर पैसा फंसा है तो ये पैसा भी आपको वापस मिल सकता है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम घर परिवार की बात करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत आनंददायक रहेगा। घर परिवार के बीच ही आपका ये दिन बीतेगा और बहुत अच्छे से आपको ये दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में आपको आपके बच्चों की ओर से भी काफ़ी खुशी मिलेगी। लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो प्रेमी के संग भी कुछ आनंददायक पल आप बिता सकते हैं। अब एक छोटी सी सलाह ये है कि आप अपनी वाणी को संयमित रखें, बहुत संयमित होकर ही किसी से बातचीत कीजिए। गलती से कुछ ऐसे शब्द आप मत बोल दीजिए सामने वाले को जो उसको बुरे लग जाए। सेहत के बारे में देखिए, थोड़े ऐसे भोजन जो मसालेदार हों या जिसमें ज़्यादा तेल मसाला हो ऐसी चीज़ों से बचिए, ऐसी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। और तुला राशि वालों को इसके साथ ही साथ अगर गौ माता को चारा खिलाने का आपको अवसर मिले तो ज़रूर खिलाएं और अपने घर परिवार के लोगों का आशीर्वाद ज़रूर लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।